इस दुनिया में लगभग हर इंसान के पास दो हाथ और दो पैर होते हैं, पर हैरानी की बात यह है कि इस दुनिया में एक ऐसी भी महिला थी जिसके पास दो नहीं बल्कि पूरे चार पैर थे। उस महिला का नाम जोसेफिन मायकल कार्बिन था। यह महिला अपने असामान्य पैरों के साथ तकरीबन 59 सालों तक जीवित रही। आपके दिमाग में यह प्रश्न जरूर आ रहा होगा कि आखिर वह महिला अपने चार पैरों के साथ कैसे चलती थी, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। जोसेफिन मायकल कार्बिन के बारे में डॉक्टरों का कहना है कि उनके दो पैर बाकी दोनों पैरों की अपेक्षा छोटे थे, साथ ही वे कमजोर भी थे। वह उन पैरों की मदद से अपने शरीर को ठीक से संभाल भी नहीं सकती थी। हालांकि उनके बगल के दोनों पैर बिल्कुल ठीक थे, जिससे उनको चलने फिरने में कोई परेशानी नहीं होती थी। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि वह महिला कैसे चलती थी। दुनिया भर में वह चार पैरों वाली महिला के नाम से मशहूर हो गई। जब उनकी उम्र मात्र 13 साल की थी, तब उस समय उनके जीवन पर एक किताब लिखी गई थी। इस किताब का नाम बायोग्राफी ऑफ मायकल कार्बिन है। मायकल कार्बिन के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि शायद एक जुड़वा बहन भी रही होगी, इसलिए उनका शरीर ठीक से विकसित नहीं हुआ। हालांकि उनकी टांगें ही विकसित हुई। मायकल कार्बिन का जन्म चार टांगों के साथ हुआ। उन्हें जिंदगी भर उन टांगों के साथ ही जीवन गुजारना पड़ा। 19 साल की उम्र में मायकल कार्बिन ने जेम्स क्लिंटन विकलिन नाम के लड़के से शादी की थी। उन्होंने 5 बच्चों को जन्म दिया, जिसमें एक बेटा और 4 बेटियां थीं।